सर ओरिएंट ग्रीन, ओरिएंट ग्रीन पावर। सर एक चीज बताओ, आप मुझे, आप फाउंडर इंडिया के मालिक हो, ये हाइपोथेटिकल है सर, पर्सनल मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपने 99% अपना स्टेक जो है बैंक में गिरवी रख लिया और आप उस पैसे से कुछ और काम कर रहे हो, फाउंडर इंडिया में भी लगाया नहीं आपने, ठीक है, तो आपको कितना इंटरेस्ट रहेगा फाउंडर इंडिया को चलाने का? ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरा नाम लवजीत अडानी है, क्या बोल रहे सर, सॉरी, कुछ अगर मैं कहूं कि मेरा नाम लवजीत अडानी है, फिर एलेक्स ना भी हो, होकर के 99% आपका, नाइनटी नाइन परसेंट ये वाला फॉर्मूला वहां क्यों नहीं लगाते हैं सर? वहां लगाते हैं ना सर, मैं वहां पर भी लगाता हूँ, वहां पर उन्होंने 99% नहीं लगाया, उन्होंने जो कंपनी अभी खरीदी है एसीसी और अंबुजा, उस पे उन्होंने 60% के करीब अपना वो लगाया है, प्लेस किया है, मगर उन्होंने अपनी अदानी एंटरप्राइज को नहीं किया, अदानी जो मेन कंपनी है उसको नहीं किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एक छोटा सा पोर्शन उन्होंने किया एक्चुअली में, तो उसमें फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब यही था सर, निकल जाओ, कि अगर प्रमोटर का पैसा ही बर्बाद इंटरेस्ट मत नहीं है, कीजिए। प्रमोटर का स्किन इन द गेम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि अगर नहीं है ये तो कंपनी जब चल सकती है जब कोई खरीद ले इस कंपनी, तो अलग बात है, जैसे सीजी पावर के साथ हुआ था, उसको सर जब मुर्गो का ग्रुप ने खरीद लिया, 2 रुपए का शेयर आज 250 रुपए का है सर, 2 साल के अंदर, ये भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा नहीं हो सकता, मगर इसको कोई अच्छी ग्रुप खरीद ले तो होगा, नजर रखिए, आज खरीदने की जरूरत नहीं है, हो सके तो 30 रुपए में खरीद लीजिए, कोई बात नहीं, 30 रुपए वाला भी 100 रुपए हो जाएगा, मगर कोई अच्छा प्रमोटर तो मिले इसमें, अभी जो है वो तो 99% प्लेस लेके बैठे हुए हैं, कुछ लॉस मेकिंग कंपनी है, कुछ कर नहीं पा रहे, रिन्यूएबल एनर्जी में है सब ठीक है, सेक्टर ठीक है, मगर अगर कंपनी बिजनेस नहीं ला रही तो उसमें कोई फायदा नहीं है, एंड ऑफ द डे बिजनेस का गेम है सब कुछ। उनका बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी और का कोई इसको खरीदेगा और उसका इंटरेस्ट जब होगा, स्किन इन द गेम जिसको बोलते हैं, जब होगी तो फिर आप इसको तेजी में ले जा पाएंगे, और ले जाने का इंटरेस्ट होगा, कह लीजिए एक इंटेंशन भी होगा कि हाँ आप कंपनी को तेजी से अच्छे से चलाएं।